क्या आप चाहते हो कि आपका रिश्ता ज़्यादा हैप्पी रहे हेल्दी रहे लंबे समय तक चले अगर हाँ तो आज का वीडियो खास आपके लिए है आज मैं आपको दूंगी फाइव टिप्स टू कीप योर रिलेशनशिप वर्किंग वन लव इच अदर एक दूसरे से प्यार करो आप कहोगे कि प्यार तुम करते हैं रिश्ते में हैं प्यार करते हैं पर प्यार करना सिर्फ अंदर से फीलिंग नहीं होती है आपको उस प्यार को दूसरे को दिखाना है दूसरे को एहसास दिलाना है सो so, दो चीज़ें हैं इसमें पहले आप इजहार करो आप बोला करो आई लव यू बोलो दोनों को आई लव यू बोलना चाहिए ये नहीं कि दूसरे को पता है अच्छा लगता है सुन के एक रीअश्योरेंस मिलती है जब हम सुनते हैं एंड दूसरी चीज़ प्यार मैं बहुत बार कह चुकी हूँ इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग इट इज़ एन एक्शन वर्ड आपको करके दिखाना है आप अपनी हरकतों से दिखाओ कि आप उस इंसान से प्यार करते हो आप वो चीज़ें करो जिससे उनको खुशी मिलती है आप वो चीज़ें करो जिससे उनसे उनको पता चलता है कि आप उनकी परवाह करते हो प्यार करो एक दूसरे से अगर आप लंबा रिश्ता चाहते हो सेकंड झूठ नहीं बोलना है पता है झूठ वो चीज़ है जो रिश्ते को ना नींव से ही तोड़ देती है इसका फाउंडेशन तोड़ देती है ट्रस्ट ना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में इसलिए छोटी छोटी बातों में भी झूठ मत बोलो झूठ सिर्फ बोलना नहीं है पर छुपाना भी है चीज़ें छुपानी नहीं है झूठ नहीं बोलना है अपने भरोसे को थोड़ा सा भी हिलने नहीं देना है बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे झूठ जब शुरू होते हैं ना रिश्ते में समझ जाओ कि वो रिश्ता टूटना शुरू हो गया है थर्ड कम्युनिकेशन हमेशा करते रहो हमेशा बताते रहो कि आप क्या फ़ील करते हो और सुनते रहो कि वो क्या फ़ील करते हैं कभी भी कम्युनिकेशन को बंद नहीं करना है इसका मतलब कभी भी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करना है कि वो इंसान आपको कांटेक्ट ना कर सके कभी भी उनको ब्लॉक नहीं करना है कभी भी आपने कहना है कि मुझे सुनना ही नहीं है सुनना हमेशा है बोलना हमेशा है कम्युनिकेशन के बिना कोई भी बात रिजॉल्व नहीं हो सकती है फोर ऑलवेज स्टे स्वीट मतलब हमेशा अच्छे बने रहो अपने पार्टनर के साथ बहुत बार ना जो सबसे हमारे करीब होते हैं ना उनके साथ हम रूड हो जाते हैं उनके साथ हम इरीटेटेड uh, रहने लग जाते हैं उनके साथ हम कैसे भी बर्ताव करते हैं हम सोचते भी नहीं हैं हम सोचते हैं वो तो समझ जाएंगे तो के okay, गुस्सा निकालना है किसी पे तो निकालना है ना उन पर निकल गया वो तो सबसे करीब हैं नो no, उनके साथ स्टे स्वीट एंड हकीकत यह है कि उनकी भी फीलिंग्स हैं उनको भी फ़र्क पड़ता है हाँ वो आपको बार बार माफ़ कर देते हैं बट इट हर्ट्स हर्ट मत करो बी आपके सबसे ज्यादा करीब हैं, अजनबियों के साथ स्वीट बनके आपको क्या मिलेगा अपनों के साथ स्वीट बनोगे तो कम से कम आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे और वो लोग खुश रहेंगे जो सच में आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं एंड फिफ्थ जब आप हर्ट होते हो ना लर्न टू फॉर गेट एंड फॉर गिव बहुत जरूरी है रिश्तों में ना जो सबसे आपके करीब है ना वही आपको हर्ट करेंगे बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं है गलतियां सबसे होती रहती हैं और कभी कभी जान के भी वो आपको हर्ट करेंगे बट अगर आप रिश्ता रखना चाहते हो तो आपको फॉरगिवनेस सीखनी पड़ेगी डेली आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा और उनको आपको फॉरगिव करना पड़ेगा यू गाइज बोथ हैव टू डिसाइड कि गलती बड़ी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये रिश्ता बड़ा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई होप कि रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो जो भी आपकी सोच है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और साथ में बताना कि आप किन टॉपिक्स पे आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने नहीं किया है मुझे फॉलो करिए ऐसे डेली वीडियोस के लिए